हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अपने अपने घर पे ठीक ही होंगे। सो गाइस, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस पे रिव्यू देने वाला हूँ। आज मैं आंखों के लेंस पे रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब कि आई लेंसेज जो आते हैं उस पे रिव्यू देने वाला हूँ। मतलब आई लेंसेज अच्छे हैं या पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, हमारी आँखों को नुकसान करते हैं या नहीं करते, मैं उस पर आज रिव्यू दूंगा। और आज मैं आपको छोटी सी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाता हूँ, मेरे पास जो आई लेंसेज है जो मैंने खरीदी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, स्पार्कलिंग कलर्स का आता है, मल्टीपर्पज सॉल्यूशन आता है, हमारे कॉन्टैक्ट लेंस के लिए आता है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अंदर क्या है। इसमें गाइस सॉल्यूशन आता है हमारा, और हमारे लेंस भी इसमें ही आते हैं। ये हमारा लेंस का छोटा सा कंटेनर है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। अभी मैं आपको लेंस दिखा देता हूँ कि कैसे है लेंस हमारे। ये आप देख सकते हो गाइस, कंटेनर छोटा सा डिब्बी आती है, इसमें हमारे दोनों लेंस हम रख सकते हैं। और गाइस दूसरी बात ये है कि इस लेंस में हमेशा सॉल्यूशन भर के रखने का है, ये डिब्बी को खाली मत छोड़ना, नहीं तो लेंस पूरा सूख जाएगा। अभी मैं आपको भर के दिखाता हूँ। हमारे पास मेरा लेंस का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और मैं आपको लेंस लगा के भी दिखाता हूँ कि लेंस कैसे लगाना है, और फिर निकाल के भी दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। तो ये डिब्बी पूरी भरी के रखो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारा आता है, देख सकते 80 ml का सॉल्यूशन आता है, ये पूरी किट आती है। लास्ट में आपको प्राइस बता दूँ कि मैंने कितने में बाय किया है। आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो या किसी शॉप से भी बाय कर सकते हो, ये तो बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे। अलग अलग टाइप के आते हैं गाइस लेंस, कोई लेंस महंगे होते हैं कोई सस्ते होते हैं, मेरे पास वो है सस्ते वाले, प्राइस आपको लास्ट में बता दो, देख लिया होगा आपने। अभी आपको मैं लगा के बताता हूँ कि कैसे लेंस लगाने का है, फिर आपको इसकी कुछ मेन पॉइंट बातें बताता हूँ कि इसे लगाने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलिए मैं आपको लगा के बताता हूँ। सो गाइस, ये हमारा कंटेनर, अभी हमें आप कंटेनर से लेंस लेके आपको लगा के दिखाता हूँ। और सबसे मेन चीज़ गाइस, अगर आप लेंस लगाने जा रहे हो तो अपने हाथ बराबर से धो लेना, क्योंकि हाथ पे डस्ट या धूल लगी होगी, फिर आप लेंस लगाने जाओगे तो आप अगर लेंस में कुछ लग जाएगा और आप में आँख में लगाओगे तो चुभेगा। इसके लिए पहले हाथ बराबर से धो लेना, फिर ही लेंस को लगाना। मेरे हाथ पहले से धो लिए, अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। लेंस लेने के बाद गाइस क्या करना है कि देखो, लेंस को प्रॉपर तरीके से गोल ही रखना है, जैसे कि ऐसे को प्रॉपर तरीके से ऐसे गोल रखना है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। सॉरी, इसको प्रॉपर ऐसे छोटी सी उंगली में लेना है बराबर से। और फिर क्या करना है, हमारी आँख है वाली है जो राइट साइड की, इसको थोड़ा बड़ा करना है और लेंस को अंदर डालने का है। स्टार्टिंग में जब आप लेंस लगाओगे तो पहले थोड़ा थोड़ा चुभेगा, उसके बाद नहीं चुभेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है। और लेंस लगाओगे तभी आँख से पानी भी निकलेगा, तो ऐसा मत सोचना कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी दूसरा लेंस लेता हूँ मैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैंने लेंस लगा दिया है। लेंस लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ठीक से लगा नहीं था वो लेंस। अगर आपको ऐसा लगता है गाइस कि लेंस अभी तक बैठा नहीं है, तो आप अंदर से ऐसे करके हिला भी सकते हो लेंस को, कोई प्रॉब्लम की बात। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने कैसे आपको लेंस लगा के बताया। सो गाइस, पहले जब आप लेंस लगाओगे तो आँख में थोड़ा चुभेगा, अभी आँख से पानी भी निकलेगा, तो कोई डरने की बात नहीं, इससे कुछ होता नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लेंस कितने में बाय किया था। ये मैंने 250 में बाय किया था गाइस, और ये लेंस की एक्सपायरी डेट, जैसे कि हम इसे सिर्फ 7 दिन तक ही पहन सकते हैं, उसके बाद हम नहीं पहन सकते, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर बार बार हम पहनेंगे तो चुभेगा, और इसको हम डेली नहीं पहन सकते, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, लेंस लगाने का बेनिफिट ये है कि हमें एक अच्छा लुक देता है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ लेंस लगाने के बाद। लेंस लगाने से क्या है, अगर हम शादी इवेंट में जाते हो तो लेंस हम लगाते हैं तो एक अच्छा लुक देता है, तो इसके लिए लेंस लगाना चाहिए। बाकी मैं बोलूँगा तो आप डेली मत लगाओ, कभी कभी कहाँ बाहर जा रहे हो फोटोशूट कर रहे हो उसमें लगा सकते हो। लेंस हमें एक अच्छा सा लुक देता है, एक हैंडसम लुक देता है, एक बैड बॉय लुक देता है, जैसे कि आप मुझे देख सकते हो मैं कैसा रहता हूँ।
सो गाइस अभी मैं आपको लेंस निकाल के भी दिखाता हूँ। निकालना बहुत इजी है। क्या करना है गाइस, आपको धीरे से ऐसे आँख में ऐसे करना है और लेंस को पकड़ना है, धीरे से पकड़ना है ऐसे करके। देख सकते हो आप। और गाइस ऐसे पकड़ने के समय ध्यान रखें कि लेंस फट ना जाए, या तो आपका नाखून लेंस में ना लगे, नहीं तो ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा लेंस। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपको फायदेमंद रही होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो गाइस। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और दूसरी बात कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो मेरे चैनल को। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख पाएंगे। और आगे मैं गिव अवे भी रखने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात कि अभी कोरोना के चलते मैं वीक में एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही है शूट करने में, कोई शूट करने वाला है नहीं, सब मैं अकेला ही करता हूँ। तो इसके लिए वीडियोज़ में लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियोज़ रेगुलर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। सो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही, बस मुझे सपोर्ट करो, प्यार देते रहो, आगे मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।